हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिन से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे कमेंट लिस्ट में कि भाई किसी भी DVR में हम बैकअप कैसे लें, वो भी पेन ड्राइव में। तो लो, तुम्हारा भाई इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आज एक वीडियो बनाएगा जो कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको आपके कैसे वीडियोज़ आपने प्रोसेस करना है। ये हमारी पेन ड्राइव है, इसे हमने क्या करना है, अपने DVR पे कनेक्ट करना है। जो DVR का USB पोर्ट होगा उस पर आपने कनेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। ये पोर्ट पे हमने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है और स्क्रीन पे चले आना है दोबारा से, और थोड़ी देर वेट करना है। आपका डिवाइस जैसे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जिस तरीके का आपको इंटरफेस दिख रहा है, फाइल बैकअप, लॉग बैकअप, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, सिस्टम अपग्रेड। तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना, सीधा फाइल बैकअप पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देख लेना कि मेरा डिवाइस जो USB आपने लगाया है वो कनेक्ट है कि नहीं है। आपने यहाँ पे देखना, मेरा ये जैसे USB है SSD 1, ये मेरा कनेक्ट हो रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना पाथ सेट करूँगा कि मेरे को किस फोल्डर पे मेरा बैकअप चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे आप क्लिक करूँगा सीधा अपना, मैंने बना रखा है डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे या आप अपना नाम दे सकते हो कुछ भी और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे वो फोल्डर आ जाएगा। तो आपने वो सिंपल इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही अब मेरा ये फोल्डर, मैंने पहले भी बैकअप लिया हुआ है तो शो कर रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे जो ये दो डॉट है इस पर क्लिक करूँगा एंड ओके। तो देखना ही, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा पाथ सेट हो गया है। तो मैं अब यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग जो चैनल है, ये 4 चैनल का होता है, मैं किसी भी कैमरे का मैं बैकअप देख सकता हूँ। तो मैं मेरा जो पाथ सेट हुआ, मतलब जो मैंने अपना रिकॉर्डिंग देखना, मेरे 4 नंबर पे मैं क्लिक करूँगा और मेरा ये देख लीजिए यहाँ पे जो ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे जो 4 नंबर पे है मेरा, तो मैं 4 नंबर ही सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपना स्टार्ट एंड एंड टाइम और जो डेट है वो सिलेक्ट करूँगा। मेरा तो मैं आज ही बना रहा हूँ तो मैं आज ही का टाइम सेलेक्ट करूँगा और डेट मेरी पहले से सेट हो रखा है, मैं टाइम ये है। तो ऑल पे सेट होने के बाद यहाँ पे आपने उसे जैसे डेट एंड टाइम सेट कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे 2 फॉर्मेट होंगे, एक DAV और एक MP4। MP4 पे आप क्लिक करके सर्च पे क्लिक कर लेना। MP4 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये किसी भी फॉर्मेट पे, आप मतलब किसी भी एप्लीकेशन पे आसानी से चला सकते हैं, कोई अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो मैं सीधा सर्च करूँगा। ये सर्च करने के बाद ये जिस डेट एंड टाइम का आपने सेट किया होगा उस डेट एंड टाइम का ये आपको फाइल, मतलब जो रिकॉर्डिंग होगी, बैकअप होगा, वो आपको शो कर देगा। तो मेरे को चाहिए होगा, मैं मेरे को चाहिए 11 बजे से 12 बजे तक का मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। तो मैं 11 बजे से 12 बजे तक की रिकॉर्डिंग क्लिक करूँगा। ये टिक हो रखा है जैसे कि आप देख रहे हो, ये 456 MB का कुछ है स्पेस। तो मैं सीधा बैकअप पे क्लिक करूँगा। देखिए आप बैकअप होने लग रहा है, मतलब मेरे पेन ड्राइव पे स्टोर होने लग रहा है। अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगा। देखिए मैं वीडियो स्किप कर दी थी, काफ़ी बहुत टाइम लग गया, ऐसे कम से कम 20 मिनट लग गया। तो 20 मिनट तक के लिए आपको मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने स्किप कर दिया वीडियो। ये देखिए मेरा कंप्लीट होने वाला है बैकअप पेन ड्राइव पे। थोड़ी देर, 10 सेकेंड, 9, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। ये हो गया, देखिए ये देखिए आप यहाँ पे जैसे बैकअप हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना जो बैकअप आया आपके जिस फोल्डर पे आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको ये शो कर जाएगा। जैसे ये 456 MB का, तो 451 MB का ये शो कर रहा है, मतलब मेरा बैकअप पेन ड्राइव पे आ चुका है। ठीक है, ओके करेंगे हम एंड पेन ड्राइव को निकाल के आप एप्लीकेशन पे आप चला सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप देख सकें।